क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है समान सांस्कृति, ऑप्शन बी है समान इतिहास, और ऑप्शन सी है भाषा और लोक परंपरा, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जर्मन के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रसा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया? जो साइमन कमीशन था वो भारत में क्यों आया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छः, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी फोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमंडन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संगीत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आठ, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कताई। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नौ, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दस, गैली क्या है? ए धातुई फ्रेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली स्थान कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षैतिज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघ में इस समय, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेत शक्ति आंदोलन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। बम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों का। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्तता बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायती राज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघा पाठेकर। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब कि जितना ऑप्शन ए बी और सी है इसमें से सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई का सुविधा और जल विद्युत उत्पादन, यानी इसमें कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोपण फसलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरीफ फसल। निम्न में से कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोकारो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहा इस्पात उद्योग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में से लगभग कितना गुण जल प्रदूषित होता है? तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8 गुना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कहाँ पर होता है? स्वच्छता पर भी होता है, शिक्षा पर भी होता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33,
सलमा एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संगठित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा वस्तु विनयम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक गाय के बदले 5 बकरियां का सौदा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। व्यापारिक बैंक को क्या कार्य है? व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बहुउद्देशीय कंपनी का खाली स्थान देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। होलोमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आभूषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 दिसंबर।